हमारे पास करीब करीब 10-15 मतलब करीब 150-200 लोग इकट्ठे होकर आए और ये कहा गया कि हमारी दुकानें जबरदस्ती तोड़ी जा रही हैं। ना उनके पास कोई नोटिस दिया है, ना उनके पास कोई सूचना है, बस आकर नगर निगम ने निशान लगा दिया कि इतनी इतनी दुकानें तोड़ दो। ये कोई सद्दाम हुसैन की सरकार थोड़ी, कोई भी आकर फरमान जारी कर दिया और टूट जाएगी। अरे आप किसी को अगर कोई बात है तो पहले नोटिस दो, नोटिस देने के बाद में उसको तोड़ो। असल में ये सुंदी करने का बहाना है, सच्चाई ये है कि एक भाजपा का बहुत बड़ा नेता है जिसका होटल बनने आया, यहाँ पर वो होटल स्टार्ट होने वाला है, बस उसकी अप्रोच अच्छी करी जा रही है, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं है प्रशासन के पास, इसलिए गरीबों का पेट पर लात मारी जा रही है, उनकी रोजी रोटी छीनी जा रही है। अतिक्रमण को लेकर अलीगढ़ में लगातार कार्रवाई हुई, क्या मानते हैं कि सरकार के दबाव में कार्रवाई हो रही है? देखिए अतिक्रमण कहाँ हो रहा, खत्म हट रहा है। एक खाली आप चौरा एक चौराहे पे का नाम लेके बाकी और चौराहे सब छोड़ दिया आपने, खाली एक ही चौराहे पे आ गए क्योंकि वहाँ पर भाजपा के बड़े नेता का होटल है, वो स्टार्ट होने रहा है। ये कोई सुंदरीकरण का काम नहीं है नगर निगम का, बल्कि भाजपा के बड़े नेता का दबाव है नगर निगम पर, उसी के इशारों पर ये लोग काम कर रहे हैं, इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं है। गरीबों की दुकानें, गरीबों का रोजगार ये छीनने की कोशिश कर रहे हैं।